यदि आपके घर में भी पुरानी मूर्ति है, आप उसे विसर्जित करना चाहते हैं दीपावली के दिन, तो आप किस तरह से करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने घर की मूर्तियों को विसर्जित करें, तो यह छोटा सा कार्य करके यदि आप मूर्तियों को विसर्जित करते हैं, तो आपके घर में मूर्तियों का आशीर्वाद बना रहेगा सदैव के लिए। आप जब भी मूर्ति विसर्जित करें दीपावली के दिन, यदि आप सुबह मूर्ति विसर्जित करते हैं, तो ध्यान रखिएगा सुबह के वक्त आप उन मूर्तियों का स्नान कराएं, पंचामृत से पुष्प समर्पित करें, मिष्ठान का भोग लगाएं, टीका लगाएं, हल्दी कुमकुम चंदन से टीका करिएगा। उसके बाद किसी की मूर्ति हो तो उन्हें एक पान का पत्ता उस पे दो सुपारी करके अवश्य समर्पित करें। माँ लक्ष्मी की यदि मूर्ति है तो उन्हें आप सुहाग की सामग्री समर्पित करें। जब उनका विसर्जन करना हो, उस सुहाग की सामग्री को समर्पित करने के बाद आप उसे अपने घर में रख लीजिएगा, खुद आप इस्तेमाल करें, किसी को दे नहीं है, आप उसे खुद ही यूज करिएगा। उसके बाद जब संपूर्ण सामग्री समर्पित हो जाए, तो झोली पसार के आप प्रार्थना करें कि प्रभु, हम आपको विसर्जित करने जा रहे हैं, आप अपना आशीर्वाद हमारे घर में सदैव बनाए रखना, और मेरे घर के जो भी कष्ट हैं, समस्याएं हैं, दरिद्रता है, उसे अपने साथ लेके जाएं, और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, रिद्धि सिद्धि का वास हो, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इस तरह से कह के आप उन मूर्तियों को अपने घर में किसी पानी में रख के विसर्जित कर दीजिएगा, यदि मिट्टी की है, नहीं तो आप किसी उसे सुरक्षित स्थान पर ही विसर्जन करिएगा, ताकि किसी का पैर वगैरह ना पड़े। इस तरह से आप विसर्जित करें, फिर से नई मूर्ति जब आप स्थापित करें, पंचामृत से स्नान करा के आसन लगा के आप उन्हें नई मूर्तियों का फिर से विराजमान करिएगा।